भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जन्म जयंती वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जमाई बिहार से सेगांव के ग्राम बड़ा रोड पर 35 करोड़ की लागत से बनने वाले एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का वर्चुअल शिलान्यास किया गया। इस पर समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में निकिता व खुशी ग्रुप द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। स्वागत भाषण जिला पंचायत CEO सिंह ने बताया कि यह क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है कि केंद्र सरकार द्वारा सेगांव में 35 करोड़ की लागत से बनने वाले आवासीय एकलव्य विद्यालय का शिलान्यास किया जा रहा है। वहीं आज जिले की 413 ग्राम पंचायत में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा। वहीं सभी को बिरसा मुंडा जयंती की बधाई भी दी एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष द्वारा आवासीय एकलव्य विद्यालय की सौगात देने पर माननीय प्रधानमंत्री और सांसद गजेंद्र सिंह पटेल का आत्मीय आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा सेगांव में शिला लेख का अनावरण किया गया। सेगांव से भूपेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। आदिवासी विकास खंड सेगांव में भी लगभग 35 करोड़ से अधिक की राशि से नव निर्मित होने जा रहे हैं एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का शिला लेख का अनावरण हमारे अतिथि के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के सीधा प्रसारण के माध्यम से लगभग 35 करोड़ से अनावरण हमारे अतिथियों के द्वारा हमारे से ओम प्रकाश जी पाटीदार, मुकेश जी पटेल, जिला पंचायत के सीओ साहब, आकाशी साहब, जनपद पंचायत से गांव की सीओ मैडम संपर्क साहब, संतिमा जी चौहान, संतोष जी राघव, सम्मान श्री आशीष जी ठाकुर, सम्मान श्री कृष्णकांत जी यादव, सीओ जनपद श्रीमती रीमान सारी जी एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं जो जितने भी हमारे बच्चे एवं नागरिक और पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, आज जनजाति का गौरव दिवस है। इसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ हम सब उपस्थित हैं। आज ही श्री बिरसा मुंडा जी की जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कुछ वर्षों से जनजाति गौरव दिवस के रूप में इसको मनाया जा रहा है। इसी के तारतम्य में आपके सेगांव जनपद क्षेत्र में बड़ी ही महत्वपूर्ण केंद्र सरकार की एक योजना है, एकलव्य विद्यालयों का निर्माण हो रहा है। ये पूरा लगभग 35 से 40 करोड़ रुपए की लागत तक का एक आवासीय स्कूल का निर्माण हो रहा है इस क्षेत्र में, जो क्षेत्र के लिए मुझे लगता है बहुत ही बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की ओर से। छोटी मोटी राशि नहीं है, हम लोग यूजुअली स्कूल सुनते हैं 50 लाख 1 करोड़ के बनते हैं, CM राइज भी आपके 1.5-2 करोड़ के बनते हैं, लेकिन ये 35-40 करोड़ रुपए सिर्फ बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा, हमारे बच्चे बच्चियों दोनों को अच्छी शिक्षा देगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो रोज़गार इसके माध्यम से उत्पन्न होगा वो उसके हिसाब से भी बहुत ही बड़ी योगदान है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।